इस स्पेस को भगवान के मंदिर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको तथावरे लोकेशन का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट दिखाने जा रही हूँ जिसमें जीरो वेस्टेज एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसका यूनिक फीचर ये है कि आप जैसा चाहे इस फ्लैट को वैसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। प्लस इस फ्लैट का लेआउट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, तो फिर चलिए हम एक बार इसे अंदर चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है इसका लिविंग रूम। ये लिविंग रूम यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। आप चाहे तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है यूज करने के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पर हो तो आप उसे यहाँ पर भी रख सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए कि आप इस स्पेस को भगवान के मंदिर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर स्टडी टेबल भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है इस तरह से सोफा लगाने के लिए। अगर आप पूरी स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एल शेप का सोफा भी लगा सकते हैं। और सामने ही हमें जगह मिल जाती है यहाँ पर टीवी लगाने के लिए। और जैसे ही हम इधर आते हैं यहाँ पर आती है इसकी कवर्ड बालकनी। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से प्यारा सा सिटिंग एरिया भी डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप झूला भी लगा सकते हैं बिकॉज ये कवर्ड रहने वाली है। तो आप इसे एक बार देखते हुए आ जाइए। और यहाँ पर आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। जो इसका मास्टर बेडरूम है और जो इसका किड्स बेडरूम है वो दोनों ऑपोजिट डिस्टेंस में है। तो आपको इस फ्लैट का लेआउट बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। प्लस इस प्रोजेक्ट में आपको सारे फ्लैट्स इस लेआउट के ही मिलने वाले हैं। तो फिर आ जाइए अंदर। यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है बेड लगाने के लिए। प्लस आप यहाँ पर भी इस तरह से कवर लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सामने भी एक और एक्स्ट्रा कवर डिजाइन कर सकते हैं। और इस मास्टर बेडरूम के साथ में आ जाता है अटैच वॉशरूम। पर आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं तो इसीलिए आपको वॉशरूम में एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस जो यहाँ पर टाइल्स यूज किए गए हैं वो एंटी स्किड टाइल्स हैं और वॉशरूम को काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है तो आपको वॉशरूम देखकर भी मजा आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर किचन को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एल शेप का प्लेटफॉर्म। प्लस आपको इसके ऑपोजिट में भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप नीचे की स्पेस को यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। प्लस आप ऊपर इस तरह से लॉफ्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है फ्रिज लगाने के लिए। और किचन के साथ ही आ जाती है ड्राई बालकनी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एनक्लोज्ड बालकनी नहीं रहेगी और जब ड्राई बालकनी बाहर रहती है तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है यूटिलाइज करने के लिए। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आ जाता है इसका कॉमन वॉश बेसिन और साथ में ही आ जाता है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉश बेसिन के ऊपर हमें जगह मिल जाती है इन्वर्टर लगाने के लिए और इसके नीचे की स्पेस को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो आप एक बार वॉशरूम को देखते हुए किड्स बेडरूम की तरफ आ जाइए।
और यहाँ पर आ जाता है इसका किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है विंडो में, तो आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पर प्यारा सा सिटिंग एरिया भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये किड्स बेडरूम काफी स्पेशियस है, तो आप यहाँ पर दो सिंगल बेड लगाएंगे तो भी आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है यूज करने के लिए। प्लस आप चाहे तो यहाँ पर बच्चों का स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं और साथ में यहाँ पर सिंगल कवर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इसे देखते हुए आ जाइए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 2.5 एकड़ में और इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर रहने वाले हैं। हर एक टावर 4 लेवल पार्किंग प्लस 12 फ्लोर का रहने वाला है। अगर हम बात करें एमिनिटीज की, तो यहाँ पर एमिनिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर इंडोर एमिनिटीज और रूफ टॉप पर भी आपको यहाँ पर एमिनिटीज मिलने वाली हैं। एमिनिटीज में आ जाता है जिम, मल्टीपर्पज हॉल, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन और भी बहुत कुछ। अगर हम बात करें कारपेट एरिया की, तो यहाँ पर जो मिनिमम कारपेट एरिया शुरू होता है वो है 659 और जो 2 BHK का लास्ट कारपेट एरिया जाता है वो है 732। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK के कारपेट एरिया के फ्लैट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो यहाँ पर 3 BHK का कारपेट एरिया है वो है 826 square feet और जो यहाँ पर प्राइसिंग शुरू होती है वो है 52 lakh rupees, जो इस एरिया के हिसाब से काफी रीजनेबल प्राइस है। ये प्रोजेक्ट मुंबई बेंगलोर हाईवे के काफी पास में आ जाता है। इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है हिंजवाड़ी आईटी पार्क से, अपकमिंग पंचशील आईटी पार्क, अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बानेर, बालेवाड़ी और वाकड़ से, और तथावड़े में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी खरीदते हैं तो भी आपको यहाँ से बहुत अच्छी रेंटल इनकम मिल जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट या आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।